नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर सिक्स। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सुपर सिक्स में आज बात करेंगे अमरवाड़ा उपचुनाव की। क्रिकेट मैच की तरह यहां का मुकाबला बेहद रोचक रहा, पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। वहीं बात होगी वीएचपी नेता को मिली धमकी की, किसने दी है धमकी ये भी बताएंगे। साथ ही बात करेंगे रायपुर में फायरिंग की, किस गैंग ने वारदात को अंजाम दिया विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा बात होगी क्लास में अचानक गिरे फैन की, कहां की ये घटना है ये भी बताएंगे। वहीं बात होगी पिटबुल के अटैक की, डॉगी ने कहां और किस पर हमला किया ये भी दिखाएंगे। खबरों में बात होगी नारियल और बताशे को लेकर मचे संग्राम की, कहां की है ये तस्वीरें ये भी आपको बताएंगे। ये छह तस्वीरें सुपर सिक्स में, इन छह खबरों पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से, आपको एक एक खबर की जानकारी देंगे। ये छह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इन्हें एक एक कर हम विस्तार से आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ पूरी जानकारी भी देंगे। सुपर सिक्स से सबसे पहले अमरवाड़ा की बात करेंगे, तो वहीं दूसरी तस्वीर मौत के फरमान की, तीसरी तस्वीर है फायरिंग की जिससे दहशत फैली, तो वहीं छात्रा घायल हुई है चौथी तस्वीर, वहीं डॉगी ने अटैक किया है कहां पर ये भी दिखाएंगे। साथ ही साथ शादी में हंगामा हुआ, संग्राम हुआ, आखिर ये क्या था मामला ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। पर सबसे पहले बात अमरवाड़ा की। अमरवाड़ा में विधानसभा की उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं और यहां से एक बार फिर से कमलेश शाह ने जीत का परचम लहराया। कमलेश शाह की ये लगातार चौथी जीत है, हालांकि इस बार वो बीजेपी के टिकट पर जीते हैं। ये जीत का जश्न है, बीजेपी को जश्न मनाने का मौका कमलेश शाह ने दिया है। छिंदवाड़ा में लोकसभा के बाद अब विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी ने सेंध लगा दी। अमरवाड़ा उपचुनाव में कमलेश शाह ने त्रिकोणीय मुकाबले में 3000 से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की। त्रिकोणीय मुकाबले में शुरू में 3 राउंड में बढ़त बनाने के बाद कमलेश शाह कई राउंड तक दूसरे नंबर पर रहे। एक बार ही तो ऐसा लगा कि अमरवाड़ा फिर से हाथ के कब्जे में चला जाएगा, लेकिन 18वें राउंड में कमलेश शाह ने 800 वोटों की बढ़त बनाई और 19वें और 20वें राउंड में बढ़त जारी रही। अमरवाड़ा की जीत पर भोपाल से लेकर छिंदवाड़ा तक जश्न मना। देखिए, आज जो जीत हुई है इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं ये उन्हीं की जीत है और भारतीय जनता पार्टी की काफी मजबूती के साथ कोई भी चुनाव लड़ती है, इसे हमको देखने को भी मिला और उनके साथ काम करने का अवसर भी हमें मिला है और आगे चल के भी पूरे जिले में इसी तरह जीत हासिल होगी। कांग्रेस ने फिर से मतगणना की मांग की है। हाँ, कांग्रेस का मामला। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जीत के लिए जनता का धन्यवाद किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उपचुनाव में छिंदवाड़ा भी हम पिछली बार लोकसभा जीते थे और छिंदवाड़ा के अंदर अमरवाड़ा विधानसभा भी हम उपचुनाव में जीते हैं। ये विश्वास भाजपा का जनता के बीच का रिश्ता बताता है और खास करके जनता जो सरकार पर भरोसा कर रही है, संगठन के साथ भाजपा की आइडियोलॉजी पर भरोसा कर रही है, ये निश्चित रूप से हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी ओर से अमरवाड़ा की इस जीत पर मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं, अमरवाड़ा की जनता को बधाई देना चाहूंगा। अमरवाड़ा में हार के बाद कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह ने प्रशासन पर पक्षपात के आरोप लगाए। रिकाउटिंग का आवेदन जो दिया था तो शासन प्रशासन के दबाव से सरकार इसको निरस्त कर रहा है और हमारे आवेदन को स्वीकार नहीं कर रहा है और हमारे जो मांग है कि भैया हम रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करवाना है और जब भी 16वें राउंड के बाद से जो स्थगित की गई थी तो उसमें कुछ हमको वो लग रहा है, शंका लग रहा है, शंका आ रहा है हमको कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ी किया गया है। कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की भी आई। कर्ज की सरकार है, करप्शन की सरकार है, विज्ञापन की सरकार है। कर्ज की सरकार है, करप्शन की सरकार है, विज्ञापन की सरकार है। कमलेश शाह ने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़ दी थी और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, लिहाजा उपचुनाव हुए और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जो झटका छिंदवाड़ा में लगा था उसका बदला एक तरह से ले लिया गया। कांग्रेस और खासकर जीतू पटवारी के लिए मुश्किलें फिलहाल कम नहीं हुई है और ये हार किसी झटके से कम नहीं है।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। इंदौर में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रशासनिक प्रमुख को जान से मारने की धमकी मिली है। मामले में एक सीसीटीवी भी सामने आया। किसने दी है यह धमकी और क्यों दी गई है यह धमकी, इस रिपोर्ट में जानते हैं। सर तन से जुदा की धमकी। खत में मौत का फरमान। वीएचपी नेता को जान से मारने की धमकी। हिंदी और उर्दू में मौत का मजमून। इंदौर के विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रशासनिक प्रमुख को जान से मारने की धमकी मिली है। संतोष शर्मा को यह धमकी एक खत के जरिए दी गई है। जंजीर वाला इलाके में वीएचपी नेता का घर है। यहां देर रात ऑटो से महिला पहुंची। महिला ने बुर्का पहन रखा था। इसने धमकी भरा खत गार्ड को दिया। महिला के वीएचपी नेता के घर पहुंचने का सीसीटीवी भी सामने आया है। तस्वीरों में घर के बाहर ऑटो खड़ा दिख रहा है और इसके कुछ देर बाद गार्ड खत को लेकर अंदर जाते दिखाई दे रहा है। खत को जब खोला गया तो इसमें हिंदी और उर्दू के अलावा अरबी में भी कई शब्द लिखे मिले। इन लाइनों को पढ़ लेना, तुझे सब समझ आ जाएगा, अब नहीं बचेगा। खत को लेकर वीएचपी नेता ने कहा कि ये श्रीलंका से आई एक महिला ने भेजा है और पुलिस को शिकायत की है। 12:45 के बीच में कोई मुस्लिम महिला जिसने अपना नाम अलीमा बताया, वो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को एक पत्र देके गई और कह के गई कि ये पत्र जो है हमारे सुरक्षा अधिकारी को दे दें, वो मुझ तक पहुँचा देंगे। उस पत्र को जब खोला तो उसमें धमकी लिखी हुई थी कि तुम्हारी अल्लाह के घर वापसी होना तय है, तुम हर जगह बचे हो, अब नहीं बचोगे, अल्लाहु अकबर। इस प्रकार का एक पत्र वो महिला दे गई और सिक्योरिटी गार्ड को कह गई थी कि मुझे बाहर जाना है श्रीलंका, इसलिए मेरी फ्लाइट है, मैं निकल रही हूँ, उनको बता देना। संतोष शर्मा ने धमकी को सनातन के खिलाफ और कमजोर करने की साजिश करार दिया। साथ ही कहा कि घर वापसी का अभियान चलता रहेगा, जो लोग अपनी इच्छा से सनातन को अपनाना चाहते हैं, उनका सहयोग वो करते रहेंगे। देखिए, विधर्मियों का काम है इस प्रकार की धमकी देना, सनातन को कमजोर करने का निरंतर ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि सनातनी लोग कैसे तैसे अपने काम को बंद कर दे, कमजोर हो, और इनके जो लोग हैं वो स्वयं सनातन में घर वापसी कर रहे हैं, अपनी इच्छा से स्वेच्छा से आ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल केवल उनको सहायता करती है उनके पवित्रीकरण के लिए और करती रहेगी। संतोष शर्मा रहे न रहे, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का काम चलता रहेगा। पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। मामले की तफ्तीश भी शुरू हो गई है। माना यह जा रहा है कि जल्द इस मामले में गिरफ्तारी भी होगी। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18, इंदौर। रायपुर में अमन साहू गैंग ने दहशत फैलाने की कोशिश की है। तेली बांधा इलाके की फायरिंग के बाद दहशत फैल गई। यहां पर पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले अमन साहू गैंग के थे। फायरिंग से दहशत, निशाने पर कोल कारोबारी, सीसीटीवी में कैद शूटर्स। रायपुर में अमन साहू गैंग ने दहशत फैलाने की कोशिश की। तेली बांधा के उद्योग भवन के पास कोयला कारोबारी के ऑफिस पर फायरिंग की। बाइक पर सवार दो बदमाशों ने दो बार फायरिंग की, पहली बार हवा में, दूसरी बार दफ्तर पर। गोलीबारी की इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं फायरिंग के बाद बदमाश बाइक से फरार हो गए। इस दौरान दोनों सीसीटीवी में कैद हुए हैं। बताया जा रहा है कि लेवी वसूलने के लिए अमन साहू गैंग ने वारदात को अंजाम दिया। ये कोल व्यापारी को डराने के लिहाज से की गई वारदात है। ये घटना तब हुई जब पिछले ही दिनों पुलिस ने अमन साहू गैंग पर शिकंजा कसा था और चार लोगों को गिरफ्तार किया था। ये झारखंड के अपराधी हैं और ये मैं आपको बताऊं, इसमें अमन साहू जो गैंग है, लगभग 90 मामले उसके खिलाफ झारखंड में फायरिंग और अन्य लोगों के खिलाफ, उसके गैंग के मेंबर के खिलाफ है। ये मामले में भी अभी हम लोग नाकाबंदी कर रहे हैं और जल्दी इस मामले की ताह में भी हम लोग जाएंगे। इसमें एक सीसीटीवी फुटेज भी आया है, ऐसे अपराधियों के हम लोग पहचान भी करेंगे।
ये कहा जा रहा है कि कारोबारी को निशाना बनाने के लिए दोनों बदमाश महावीर नगर चौक में रैकी कर रहे थे और काफी देर से कारोबारी के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही कारोबारी दफ्तर की तरफ जाने लगा, बदमाश तेजी से आए और फायरिंग की, इसके बाद निकल गए। बदमाशों ने अपनी बाइक अनुपम नगर जाने वाले रास्ते पर सड़क किनारे छोड़ दी और फरार हो गए। वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक पर झारखंड का नंबर है। पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से फिंगरप्रिंट लिए हैं, साथ ही आसपास के इलाके के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। अमन साहू गैंग की सक्रियता को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस एक्टिव थी, यही वजह है कि वारदात के पहले चार बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, लेकिन इस बार गैंग पुलिस को चकमा दे गया। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठने लगे हैं। उम्मीद है इस मामले में पुलिस जल्द एक्शन लेगी और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। सीहोर के एक स्कूल में जो कुछ हुआ वह बेहद ही हैरान करने वाला था। तीसरी क्लास के बच्चे की जान पर बनाई, पूरी रिपोर्ट देखिए। 5 सेकंड का वीडियो, पूरी क्लास रह गई सन, बच्चे का मौत से सामना। सीहोर में एक स्कूल में जो कुछ हुआ वो बेहद हैरान करने वाला था। आष्टा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ये मामला है, तस्वीरें देखिए। तीसरी क्लास के बच्चों की क्लास है, बच्चे बैठे हैं और टीचर पढ़ा रही है, फिर अचानक छत पर लगा पंखा गिर जाता है। एक बार फिर इस वीडियो को देखिए, पंखा एक बच्ची के सिर पर गिरा, इस दौरान छात्रा बुरी तरह से घायल हो गई। स्कूल प्रबंधन ने आनन फानन में बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर्स के मुताबिक सिर की हड्डी में फ्रैक्चर आया है और बच्ची का भोपाल में इलाज होगा। घटना की जिम्मेदारी लगने के बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। अधिकारी ने स्कूल प्रबंधन को फटकार भी लगाई। पुष्पा हासरेट स्कूल में कक्षा तीसरे की बच्ची के कक्ष में एक पंखा गिरा है। जैसे मुझे सूचना प्राप्त में गया था, बच्ची को अभिभावक प्रिंसिपल भोपाल देखे गए हैं। अभी कैसी स्थिति है? सूचना करके बताते क्या स्थिति है सर। ये घटना कैसे, क्या हुई, कुछ जानकारी आई? ये वो पंखा लगा था, पंखे का नट टूटा और पंखा गिरा। इस मामले में पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन मामला बेहद गंभीर है। स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, ना कि मौत का सामना करने। ऐसे में स्कूल पर कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही दूसरे स्कूलों को भी इस घटना से सबक लेना चाहिए, ताकि दोबारा किसी मासूम की जान पर ना बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। ग्वालियर में शादी में जमकर हंगामा हुआ। मामूली बात को लेकर कहासुनी हुई और देखते ही देखते मारपीट भी शुरू हो गई। रिपोर्ट देखिए। कुर्सियां उल्टी पड़ी हैं, कुछ टूट गई हैं, सामान बिखरा पड़ा है। शादी का घर है, लेकिन लोगों के चेहरे पर मायूसी है। दूल्हा भी मुंह लटकाए बैठा है। तस्वीरें ग्वालियर के फुले गांव की हैं। यहां पैर पूजने के दौरान शादी में जमकर हंगामा हुआ। पैर पूजन की रस्म के दौरान नारियल और बताशे कम पड़ गए और ये बात वधु पक्ष को नागवार गुजरी। पहले तो इसे लेकर कहासुनी हुई, लेकिन देखते ही देखते मामला बिगड़ गया और मारपीट होने लगी। हंगामे के बीच जमकर एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई। शादी में हंगामे की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया और शादी भी पुलिस के पहरे में हुई। बेहट थाना अंतर्गत फूलेपुरा गांव में एक शादी समारोह में वर पक्ष और कन्या पक्ष के बीच लड़ाई हुई, कुर्सी वगैरह तोड़ फोड़ दी और जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। रात्रि लगभग 4 बजे सुबह की बात है। पुलिस ने 4-5 घंटे दोनों पक्षों को समझाया, उसके बाद फिर से दोनों की शादी हुई। नारियल और बताशे को लेकर विवाद हुआ था। शादी खुशी का मौका होता है, दो व्यक्ति नहीं बल्कि दो परिवारों के बीच गठबंधन होता है। ऐसे में विवाद रिश्तों में खटास डालते हैं, लिहाजा मामूली बातों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए था, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।